इकाई 11 भारत के बाहर सूफी मत की उत्पत्ति और विकास। रूपरेखा 11.0 उद्देश्य, 11.1 प्रस्तावना, 11.2 अर्थ, 11.3 परिभाषा, 11.4 उत्पत्ति, 11.5 विकास, 11.6 सूफियों का प्रथम वर्ग, 11.7 सूफियों की दूसरी पीढ़ी, 11.8 सूफियों की तीसरी पीढ़ी, 11.9 दसवीं शताब्दी में सूफी मत, 11.10 ग्यारहवीं शताब्दी में सूफी मत, 11.11 बारहवीं शताब्दी में सूफी मत, 11.11.1 इमाम गजाली, 11.11.2 शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 11.11.3 शेख मुइनुद्दीन इब्ने अरबी, 11.11.4 शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, 11.12 तेरहवीं शताब्दी में सूफी मत, 11.13 निष्कर्ष, 11.14 संदर्भ ग्रंथ, 11.1 प्रस्तावना। सूफी मत सूफीज्म इस्लाम में प्रारंभ से विचार का एक मुद्दा रहा है। हालांकि इस्लाम बुनियादी तौर पर एक धर्म है जो मानव जाति के लिए एक प्राकृतिक और साधारण धर्म की घोषणा करता है, लेकिन इस्लाम के अरब प्रदेश भूमि की सीमा से बाहर इस्लाम के प्रसार ने या तो दूसरे धर्म को प्रभावित किया या उन प्रदेशों के विदेशी कुछ विचारों को अपनी सादगी के होते हुए ग्रहण किया। आरंभ में पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में मुसलमानों के बारे में माना जाता था कि वो पैगंबर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर एक हुक्म की हैसियत को मानेंगे और पैगंबर के आदेशों को अपना दिमाग लगाकर या बगैर सोचे मानते थे, लेकिन इस्लामी सीमा के फैलने पर नए ख्यालात विचारों जैसे यूनान में अफलातून के विचार या अफलातून से प्रभावित मिश्र के विचारों, ईरान में जरथुस्ट के विचारों से भारत के धर्म के और हिंदू धर्म के विचारों और यूरोप के देशों में ईसाइयों के धर्म के संपर्क में आए। पृष्ठ 153। स्वाभाविक था कि मुसलमानों ने इन विचारों विचारधाराओं आइडियोलॉजी को अपनी बुद्धि और तर्क के अनुसार कबूल किया और इसके फलस्वरूप उन्होंने सिद्धियों या अनुभवों से कुछ विचारों को माना। ये नए विचार जिन्होंने इस्लाम में प्रवेश किया सूफी मत के अंकुरण कहे जाते हैं, परंतु दूसरी ओर कुछ विद्वान हैं जो इस राय के हैं कि सूफी मत के सिद्धांत पैगम्बर स्वयं के जीवन में पाए जा सकते हैं। उसके अनुसार ये गलत है कि इस्लाम में सूफी मत का विचार बाहर से आए, लेकिन इस्लाम सूफी मत की जन्मदाता माँ है। वो अपने तर्क में कुरान की विभिन्न आयतें प्रस्तुत करते हैं। सूफी इस्लामी विचारधारा के रास्ते से भारत की दहलीज पर पहुंचे और उनके बढ़ने के लिए वातावरण को अनुकूल पाया। जब से भारत संसार में सूफी मत का मुख्य केंद्र बन गया, कभी ऐसा मालूम होता है कि भारत से बाहर दुनिया में सूफी मत का कोई वजूद नहीं, और इसीलिए ये जानना और अध्ययन करना आवश्यक है कि ये कैसे भारत के बाहर फैला। ग्यारह दशमलव दो अर्थ। अंतिम सत्य क्या है? कौन दुनिया पर शासन करता है? जो प्रार्थना हम करते हैं, किस तरह प्रार्थना करना ईश्वर को खुश करता है? ये प्रश्न है जो मानव की बुद्धि या समझ के बजाय आत्मा से संबंध रखते हैं। दूसरे प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि मानव में ऐसा गुण है जो उसको उनसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जैसे मानव शरीर शरीर और आत्मा का सुंदर मिश्रण है, जैसे शरीर की वृद्धि के लिए रखरखाव और पोषण की जरूरत होती है, इसी प्रकार आत्मा की वृद्धि के लिए भी देखभाल आवश्यक है। आदमी जब अपने नफ्स पर नियंत्रण नहीं रखता है तो वो परेशान होता है। यही परेशानी उसे नरक के रास्ते ले जाती है। मानव व्यक्तित्व दो प्रकार का है, एक तो नैतिक शिक्षा जो खाने पीने सोने चलने इत्यादि की भांति उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखती है या आदमी नैतिकता का नियंत्रण करता है। दूसरी जो आत्मा को पवित्र करती है वो उससे माता पिता की भांति प्रेम करता है। वो उनकी देखभाल करता है, उनकी खुशी और गम में उनका साझेदार है और अपने समस्त कार्य में वो नम्र विनीत सभ्य और सज्जन रहता है। वो ईश्वर की प्रार्थना इबादत करता है, वो ईश्वर के सामने मस्तिष्क झुकाता है और उससे मिलने की इच्छा करता है इत्यादि। करीब करीब 8 तरह के विचारधाराएं आइडियोलॉजीज हैं जो सूफी शब्द की उत्पत्ति को बतलाती है। एक, कुछ इस राय के हैं कि सूफी शब्द अरबी शब्द सफा से है जिसका अर्थ है हृदय की सफाई और पवित्रता। दो, दूसरे वो हैं जो ये सोचते हैं कि ये शब्द सुफा से लिया गया है जिसका अर्थ है चबूतरा। इस ख्याल के मानने वाले ये तर्क देते हैं कि इस्लाम के नबी के युग में मदीने में मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा था जहाँ पैगंबर के कुछ साथी बैठते थे और वे लोग धार्मिक सिद्धि और ध्यान मेडिटेशन में लगे रहते थे।
मदीने के लोग उनका आदर बहुत करते थे और उनको पहले अहले सुफा कहा जाता था। 3. एक तीसरा विद्वानों का ग्रुप इस राय का है कि सूफी शब्द अरबी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ कतार से है, जैसे मुसलमानों को रोजाना नमाज में लाइन, सफ या कतार में खड़े होते हैं। लोग नमाज के समय मस्जिद में जाते हैं और इमाम के पीछे लाइन में खड़े होते हैं। पृष्ठ 154। चौथा बुद्धिजीवियों का वो तबका है जो ये सोचता है कि ये शब्द सोफा शब्द से निकला है, जो अरब में एक जाति है। ये लोग ही थे जो इच्छापूर्वक काबे के लिए अपनी सेवाएं देते थे। 5. एक दूसरी थ्योरी के अनुसार ये शब्द अरबी शब्द सफ तुल कफा से निकला है, जिसका अर्थ है आदमी की गुद्दी पर बाल। 6. इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक अन्य विचार है कि ये शब्द ग्रीक यूनानी शब्द सुबू सूफिया से लिया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय बुद्धिजन। 7. ब्रह्मवाद थियोसोफिस्ट का एक ग्रुप ऐसा है जो इस शब्द का निकास अरबी शब्द सोफेना से बतलाता है, जो एक पौधे का नाम है। 8. आठवें विद्वानों का तबका सोचता है कि इस शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जो एक प्रकार की ऊन है जो पैगंबर के साथियों के लिबास बनाने के काम आती थी, जो दुनिया को छोड़कर एकांत में बैठ गए थे। ये जानना कठिन है कि कौन सा मत ठीक है, क्योंकि हर विचारधारा ने विस्तार से बहस की है और तर्क दिए, लेकिन अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा कि शब्द सूफी अरबी शब्द नहीं है, बल्कि ये लैटिन शब्द से है जो दार्शनिक शब्द से मेल खाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ ऊन है। पैगम्बर इस्लाम के जमाने में जो लोग इस तरह की वेशभूषा पहनते थे वे अहले सूफ कहलाए, और जो कालांतर में सूफी शब्द से संबोधित किए जाने लगे। 11.3 परिभाषाएं। जैसा कि पहले बताया गया है कि सूफी मत इस्लाम में विवाद का विषय है, ऐसा ही इसकी परिभाषाओं का मामला है। काजी जकारिया अंसारी के अनुसार सूफी मत या तसव्वुफ एक तरीका है जिसमें साफ साफ बुद्धि के जरिए मारिफत या रहस्य ज्ञान बड़ी चतुराई से प्राप्त किया जा सकता है। ये रहस्यवाद का ज्ञान ही सूफी मत है। दूसरे शब्दों में सूफी मत ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। अल्लामा कुशेरी मृत्यु 465 हिजरी ने अपनी पुस्तक रिसाला में लिखा कि जब अबू मोहम्मद अल जनेरी से सूफी मत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि तजफ्फुफ अच्छी नैतिकता से जुड़ा है और बदचलनी को दूर करता है। उसके अनुसार सूफी मत नाम है तन्हाई, अलग रहने का और अपने मुर्शीद या रूहानी गुरु की निगरानी में रियाजत परिश्रम करने का। उमर बिन उस्मान मक्की से जब सूफी मत के बारे में पूछा गया तो कहा, एक दास अपना कार्य जो उसे दिया गया है करता है और जो उसके कार्य पर कड़ी निगरानी रखता है, यही सूफी मत है। इसका अर्थ है कि सूफी मत गुलाम के ईश्वर से दासियता है। मोहम्मद बिन अल कसाब के अनुसार ये उच्च कोटि का स्वभाव है जो मानव करते हैं वो तसव्वुफ है। अबू बकर मोहम्मद बिन अली बिन जाफर की राय थी कि शायस्ता अखलाक नैतिक सुझाव का नाम तजफ्फुफ है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे बीच अच्छे स्वभाव का है अधिक प्रसिद्ध ख्याल किया जाता है। और ये भी कहा गया, तजफ्फुफ अपने आप को बचाने और सभ्य रहने का नाम है। इसका अर्थ है कि नियम पाबंदी और रियाजत सूफी मत के अंग हैं। माज जीन ने विचार किया कि सूफी मत अंत में ईश्वर को या सत्य को समर्पित करने का नाम है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूफी मत में ज्यादा ध्यान अपने व्यवहार में नम्रता और सभ्यता को रखना, जिंदगी में नियमित और सभ्य रहना जिंदगी में आवश्यक है, जिससे खुद की पवित्रता प्राप्त की जा सके। पृष्ठ 155। 11.4 उत्पत्ति। ये इस्लामी इतिहासकारों का मुख्य कर्तव्य है कि वो सूफी मत की इस्लाम में जड़ों को मालूम करें। बहुत से ईश्वरीय ज्ञान के ज्ञानी थियोसोफिस्ट ब्रह्म ज्ञान ने अपने विचारों नजरियों को प्रस्तुत किया और इस विचार पर विचार रखे, फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा शताब्दी में ये इस्लामी समाज का विशेष अंग हो गया है और इससे समाज की नैतिकता के निर्माण का मुख्य कार्य किया गया। सूफी मत कब आरंभ हुआ ये बतलाना आसान कार्य नहीं है। विस्तार रूप में कहा जाए तो ये अकेले अलय हैदा एकांत में रहने और संसार के मामलों से दूर एकांत में रहना है, परंतु साथ साथ ये भी दावा कोई कर सकता है कि यह अपवित्रता से पवित्रता का रहनुमाई का मार्ग है। ये भी कहना सही है कि सूफी मत की तहरीक इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, ये तो दुनिया के समस्त धर्मों में सामान्य रूप से समान है।
अगर हम धर्मों के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि जब तक एक जाति कौम उन्नति की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो सुस्त हो जाती है, एक कार्यशील नहीं रहती, कठिन कार्य न करने की इच्छा उनके पतन का कारण बन जाती है। अगर हम यूनानियों का इतिहास देखें तो देखेंगे कि पाइथागोरस पहला दार्शनिक था जिसने कार्मेनियन तहरीक चलाई। अफलातून की विचारधाराएं थ्योरीज उसके दर्शन का आधार बनी। पाइथागोरस ने इन दार्शनिक विचारों को कायरता कहा और यूनानियों के सामने रखा। यही कारण है कि जब हम यूनानियों के पतन के कारणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाइथागोरस के उपदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो एक कारण था। ऐसा ही मामला हिंदुओं के इतिहास का है। जब ये चरम सीमा पर पहुंचा तो एक व्यक्ति ने बुद्धमत को स्वीकार किया और उसने फटे पुराने वस्त्र पहनना आरंभ किया, जिसे सन्यासी का वस्त्र समझा गया। बौद्ध धर्म की शानदार उज्जवल संस्कृति के बावजूद ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इससे मठों में रहने का जीवन आरंभ हुआ। लेकिन इस्लाम एक संतुलित धर्म था। बुद्धमत के मठों में रहने का प्रभाव इस्लाम में दाखिल हुआ। इस संदर्भ में एक घटना वर्णन करने योग्य है। एक मर्तबा हजरत उमर दूसरे खलीफा यरमूक की जंग में मसरूफ थे। अचानक उन्होंने देखा कि आदमी मस्जिद नबवी में ध्यान मेडिटेशन में मस्त था। उमर ने एक लकड़ी हाथ में ली और कहा, ओ बदबख्त, दूसरे बर्बादी के मंसूबे बना रहे हैं और तू ध्यान में लगा है। जब अरबों ने भौगोलिक सीमाओं को पार किया तो मुसलमानों ने पराजित देशों के धर्मों में रुचि दिखाई। जब मुसलमान मध्य एशिया में पहुंचे तो वे नए अफलातूनी फिलॉसफी से परिचित हुए। नए अफलातून के फलसफे दर्शन ने मुसलमानों को बहुत प्रभावित किया। यहाँ ये आवश्यक मालूम होता है कि संबंधित प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह आवश्यक है कि नई अफलातून की थ्योरी ऑफ न्योप्लेटोनिज्म क्या है। पिलाई थॉमस, जो न्यू फलातूनी फिलॉसफी का चैंपियन था, ये अमोनिस का शिष्य था जिसने उसे कम से कम 15 साल तक फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पढ़ाया। वो 305 बीसी में कंपेनिया में मर गया। उसकी संख्या मुख्य रचना अनेह थी। 11 साल तक अमोनिस की शागिर्दी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हिंदुस्तान आया, जो थियोलॉजी धर्मशास्त्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र था और बुद्ध हिंदू धर्म की कार्मेथियन तहरीक के लिए लोकप्रिय था। वेदांत के दर्शन का अध्ययन करके वो यूरोप वापस आ गया। यूरोप लौटते वक्त उसने अपनी थ्योरी को पेश किया, जो हिंदू धर्म का पूर्व वेस्ट का दर्शन, बुद्ध और अफलातून के पश्चिमी दर्शन का मिश्रण थी। पृष्ठ 156। इस्लाम के न्यू अफलातूनी दर्शन के करीब आने से हिंदू और बुद्ध मत के संपर्क में आया और यह स्वाभाविक था कि इस्लाम पर इनकी विचारधाराओं आइडियोलॉजीज का प्रभाव पड़ा। न्यू अफलातूनी नजरिए ने तर्क और अक्ल के प्रयोग की आवश्यकता को जन्म दिया और इसके नतीजे में एक अलग जाति मुताजला जाति निकली। पहला मुताजली था वासल बिन अता था, उमराव बिन उवेद, जो ख्वाजा हसन बसरी की मजलिसों में बैठता था। एक मर्तबा उसका ख्वाजा हसन बसरी से राय का मतभेद हुआ और जिसके कारण वो ख्वाजा हसन बसेरी की लगातार मजलिसों से अलग हो गया और इसीलिए उसे मुताजला यानी अलग रहने वाला सेपरेटिस्ट कहा गया, क्योंकि वो इस तरह दूसरे मुसलमानों से कट गया। मुताजलियों के मुख्य बुनियादी विश्वास हैं, एक कुरान तखलीक है, दो देखना और सुनना अल्लाह की सिफात विशेषताएं हैं, तीन अल्लाह को स्वर्ग में भी नहीं देखा जा सकता है, चार मानव अपनी आदतों का स्वयं निर्माता है इसीलिए अच्छाई और बुराई के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, पांच आकाशवाणी प्रकट होने से तर्क महत्वपूर्ण है। उनके गैर इस्लामिक आइडियोलॉजी विचारधारा के विपरीत एक और तहरीक वजूद में आई और वो भी अरबी लोगों को, जिन्होंने मुताजला का हथियार अपने बचाव पक्ष में इस्तेमाल किया। अबू हसन अली अल अशअरी बिन इस्माइल को इस तहरीक का बानी ख्याल किया जाता है। वो बसरा में पैदा हुआ। आरंभ में वो भी मुताजला था लेकिन कुरान की रचना के सवाल पर उसने अपने गुरु का विरोध किया। अशरी लोग मुताजला से विपरीत धर्म के मामलों में तर्क करते और मुखालफत करते थे। उसके विपरीत उन्होंने सुन्ना या पैगंबर के हवाले या रिवायत का इस्तेमाल किया और उनकी तकलीद करने का प्रयत्न किया। मुख्य अशरियों की बुनियादी एतकाद की बातें हैं। एक, मानव को अपने कार्य करने की आजादी है इसीलिए वो अच्छे या बुरे के लिए उत्तरदायित्व है।
2. ईश्वर को इस दुनिया में देखा जा सकता है और यह भी यकीन है कि उसे स्वर्ग में देखा जाएगा। 3. समस्त खूबियां ईश्वर के विपरीत हैं। ईश्वर का अंग नहीं, मताजला और अशअरी की जंग ने समाज को 3 अंगों में बांट दिया और इस तहरीक ने मुसलमानों में गड़बड़ी फैलाई। इस तरह से 3 समूह पैदा हो गए जो निम्न थे। 1. कुछ लोग गड़बड़ा गए और उन्होंने राय कायम की कि अकल के जरिए वास्तविकता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इस तरह कुछ लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार थ्योरी पेश की। इस स्कूल की बेहतर मिसाल अल जायज है, जो इस राय का था कि आग प्रकाश ईश्वर है। पृष्ठ 157। 2. दूसरा ग्रुप इस राय का था कि शहादत या हक या वास्तविकता का सबूत जरूरी है और उसके बगैर वास्तविकता को सही नहीं बतलाया जा सकता। इस विचारधारा स्कूल के लोग हैं अल बेरूनी और इब्ने हसन। 3. तीसरा ग्रुप ये था जिसने सोचा कि तर्क धर्म की ओर धर्म में विश्वास की रहबरी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल अलग क्षेत्र है, इसीलिए यह जरूरी है कि इमाम को मासूम इनोसेंट माना जाए। इस सेक्ट ने बाद में शिया मुस्लिम तबके की बुनियाद रखी। इस बुद्धि की जंग के परे राजनीति की बातें भी सूफी मत की उत्पत्ति का कारण बनी। जैसे उभय्या नस्ल के हुक्मरानों के युग के खराब राजनीतिक हालात थे, मदीने में जो पैगंबर द्वारा राज स्थापित हुआ ये संतुलित था और समानता का आईना था। अवाम और शासक में कोई अंतर नहीं था। सामूहिक कार्य आपसी मशवरे से होता था। कोई अदालतें नहीं थी, कोई नौकर नहीं और कोई मदीने में कोई महल नहीं। गरीबों का हाल मालूम करने के लिए पैगंबर की मृत्यु के बाद चारों खलीफा जिनके नाम थे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, पैगंबर द्वारा बतलाए गए पवित्र मार्ग पर चले। लेकिन चौथे खलीफा हजरत अली की शहादत के बाद समस्त इस्लाम का राजनीतिक ढांचा, जिसे खिलाफत कहा जाता था, गिर गया और उमैया और बाद में उनकी नस्ल ने शहनशाहियत को कायम किया। उम्मीद के जमाने में जीवन की विचारधारा बदल गई। इसने न सिर्फ मदीने से राजधानी को बदला बल्कि तब्दीलियां पैदा की। सरकार के काम जो पवित्र माने जाते थे वे अब केवल दुनिया के मामलात थे और इसीलिए बहुत से खास लोगों ने राजा सम्राट की नौकरी से अल हदेगी इख्तियार की। इसके फलस्वरूप राजनीतिक सिस्टम की कोई सहायता न रही और न पवित्र लोगों को सहायता मिली। दूसरे उम्मयद सख्त और व्यवहार में बहशी थे और उसने आम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। पैगंबर के जमाने में और खलीफाओं के समय में गवर्नरों को नियुक्ति करते समय हिदायत दी कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रहम दिल रहे। इसके विपरीत उम्मयद के गवर्नर सख्त और जालिम थे। हजाबिन सुसूफ इब्ने जियाद उम्मयद नस्ल के जालिम कमांडर थे। करबला की जंग और मक्का का मुहासिरा सेज जैसे वाकियात थे जिनसे मुसलमानों के धार्मिक लोगों को रंज हुआ और तकलीफ पहुंची। ये न केवल अकल की गड़बड़ी का युग था बल्कि फतुहात विजय का युग था। इस समय मुस्लिम फौज सीमाओं को बढ़ाने में लगी थी। मुसलमान फौज स्पेन की सीमा पर और सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान, रूस, ईरान और भारत तक पहुंची। इस मौके पर एक बुनियादी सवाल पूछा जा सकता है, क्या इस्लाम ने सीमाओं की बढ़ोतरी की इजाजत दी है और शरीयत के अनुसार हज्जाज का जालिमाना बर्ताव ठीक है? ऐसे सवालों ने समाज के मजहबी लोगों के दिमागों को परेशान किया। इन गड़बड़ियों को देखते हुए बहुत से स्कॉलर और समाज के बड़े लोगों ने दुनिया को छोड़ दिया। अगर ये सम्राट के अमीरों को ठीक करने के लिए कोशिश करते तो मुसलमान कौम को ज्यादा नुकसान की संभावना थी और इसीलिए उन्होंने एकांत में रहना पसंद किया। पृष्ठ 158। जब याजिद बिन मबियाने से अब्दुल अशअल सान को अब्दुल्ला बिन जुबेर, जो पैगंबर के एक साथी थे, से लड़ने के लिए भेजा और जब वो मदीना पहुंचने पर पैगंबर के एक और साथी से मिले और फैले हुए गड़बड़ हालात पर आलोचना करने को कहा तो उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त, पैगंबर ने मुझसे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में ऐसे हालात पाओ तो ओहद पहाड़ पर चले जाना और तलवार को तोड़ देना और फिर अपने घर वापस आना और तन्हाई में रहना। अगर कोई तुम्हारे मकान में आए तो बिस्तर पर पड़ जाना और अगर कोई तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचे तो घुटनों के बल बैठो और उससे कहो कि नरक तुम्हारे करीब है और मेरा और तुम्हारे गुनाह तुम्हारे शानों कंधों पर है और इसीलिए मैंने अपनी तलवार मोड़ दी है और खामोशी से मकान में पड़ा हूँ। ये एक वाकया जानने के लिए काफी था कि समाज में क्या हो रहा था और ये हालात थे जिसमें सूफी मत ने मुस्लिम समाज में जन्म लिया।
हमारी राय में मुस्लिम समाज के अंदरूनी हालात बाहर के हालात से ज्यादा सूफी मत के लिए जिम्मेदार हैं। 11.5 विकास। ऊपर के तत्वों से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि प्रारंभ में सूफी मत की ओर मुस्लिम समाज में रुझान रहा, क्योंकि आरंभ की स्थिति में सूफी मत मुसलमानों के लिए केवल ईश्वर की इबादत थी, लेकिन बाद में सूफी मत के विषय पर विभिन्न मतभेद आए। ऐतिहासिक तौर पर यह स्थापित किया जा चुका है कि पहली शताब्दी हिजरी में तजफ्फुफ शब्द आम था। पहला आदमी जो इस्लाम में पहला सूफी एक मत राय से मान गया अबू हाशिम था। मृत्यु 767 एडी जो हजरत सूफियान सूरी का समकालीन था। मृत्यु 778 एडी जो हजरत सूरी कहता था कि वो पहला सूफी नहीं था। अबू हाशिम से पहले सूफी कौन था? इसके विपरीत अब्दुल रहमान जामी ने अपनी मशहूर पुस्तक नफहात उल अनफास में लिखा, अबू हाशिम से पहले बहुत से सूफी थे, लेकिन ये भी सत्य है कि पहला आदमी जो इस्लाम में सूफी कहलाया वो अबू हाशिम ही था। इस्लाम में सूफी मत की उत्पत्ति के कुछ भी वजूहात कारण रहे हों, लेकिन ये वास्तविकता है कि बसरा और कूफा जो गड़बड़ी के केंद्र थे वही सूफी मत की जन्मभूमि थी। उमैयद की राजधानी इनकी विशेषता थी। पहली बसरा की बस्तियां उदाहरण के तौर पर वंश अरब कौम की तमीम जाति की थी। तमीम के लोग वास्तविकता पसंद थे और जिंदगी पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते थे। ये वास्तविक आलोचनात्मक थे, जिंदगी के बारे में ये वास्तविक दृष्टिकोण था। कविता में ये दृष्टिकोण साफ दिखाई देता था। वो पैगंबर की जिंदगी और उनके अकवाल का अध्ययन करते थे। तर्क और बुद्धि के आधार पर ये आमतौर पर तन्हाई में रहने के आदि थे और अपना आजादी से जीवन अलग गुजारते थे। उनके यहाँ हालात सूफी मत के लिए लाभदायक साबित हुए। 11.6 सूफियों का पहला वर्ग। इस युग के पहले सूफी बसरा में इमाम बसरी, मृत्यु 110 हिजरी 727 एडी, हजरत मालिक बिन दिनार, हजरत अली रक्काजी, रिबा बिन उमर अलकेली, सालेह उल माआरी और अब्दुल वाहिद बिन जैद, मृत्यु 117 हिजरी से 1793 एडी थे। दूसरी तरफ उन अरबों की आबादियात का केंद्र था जो अपनी मातृभूमि यमन से आए। वो प्राकृतिक तौर पर रूढ़िवादी थे। अफलातूनियत उनकी कविता की विशेषता थी। उनमें अफसर शिया और मर नियाम थे। उनमें से कुछ रवि हबिन केशम, मृत्यु 67 हिजरी 686 एडी, जाबर बिन हयान, मंसूर बिन अम्मार, अब्दाक इत्यादि थे। कूफा और बसरा के सूफियों के अलावा दूसरे खास सूफी जो पहले श्रेणी में थे के सूफी मत में थे जो 41 हिजरी 661 एडी से 236 हिजरी 850 एडी तक समय में थे, हजरत ओवेस करनी, हजरत मोहम्मद वासी, हजरत हबीब अजमी, हजरत ख्वाजा फुजेल, हजरत इब्राहिम अधम इत्यादि इस श्रेणी में शामिल थे। पृष्ठ 159। पहली श्रेणी के सूफियों की विशेषता निम्न थी। एक, इस किस्म के लोग खौफे इलाही या ईश्वर के डर के लिए और तौबा पछतावे के लिए लोकप्रिय थे। हजरत राबिया बसरी हमेशा बतलाती थी कि जबानी तौबा झूठे लोगों का कार्य था। दो, इस ग्रुप के स्कॉलर सामूहिकता में कभी विश्वास नहीं करते थे बल्कि हमेशा स्वयं को कष्ट देने में यकीन करते थे। उन्होंने अपने चारों ओर शागिदों की भीड़ जमा करने का कभी कोशिश नहीं की और पारिभाषिक शब्द से अपने रहस्यवाद के भाव को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस ग्रुप तबके के सूफियों की भाषा आसान, कोमल और स्पष्ट थी। सामाजिक और राजनीतिक वातावरण जो चारों ओर फैला हुआ था इतना खराब था कि उन्होंने सामाजिक जीवन से दूर रहने को तरजीह दी। राजनीतिक शासन का चलन था जो पैगंबर की शिक्षा के विपरीत था। ये ही उनके अलहेदा तन्हाई में रहने का मुख्य कारण था। तीन, इस सूफियों और सम्राट के उलेमा के दरमियान एक उलमी वाद पैदा हुआ। मंसूर हल्लाज और हजरत जुन्नू अल मिसरी, मृत्यु 230 हिजरी 854 एडी, शेख नूरी और शेख अबू हमजा ने ऐसे झगड़ों का विस्तार से बयान किया है। चार, पहले सूफी की श्रेणी की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने किताबों में अपनी विचारधारा लिखने की जरा भी कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी हजरत शेख अब्दुल्ला बिन मुबारक, मृत्यु 181 हिजरी 797 एडी और हजरत सूफियान सूरी, मृत्यु 181 हिजरी बटे 777 एडी ने कुछ किताबें लिखी। शेख अब्दुल्ला ने किताब उल जुहाद लिखी और सूफियान ने चार जिल्दों में रचना की। एक, अल जामे उल कबीर फिल फिकाह बल एक तला। दो, अल जामी अल संगीर। तीन, किताब अल फरायज। चार, किताब उल तफसीर। पांच,
इस तबके के सूफियों ने जैसा ऊपर बयान किया है अपने को सम्राटों की सोहबत से काट लिया और वो सरकार को अपनी खिदमत देना खराब महसूस करते थे और इसे एक गुनाह का कार्य समझते थे, लेकिन जब भी वो सम्राटों के खलीफाओं के रूबरू आते थे तो वो कड़वी सच्चाई के बोलने के लिए काफी निडर थे। इस रवैये के नतीजे निम्न हैं। हालांकि सूफी अपने खुद के सुधार और पवित्रता पर जोर देते थे, लेकिन उन्होंने निडर अपने नजरिए रखे कि इस्लाम का कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के समस्त पहलुओं को अपने अंदर लेता है। ये कभी भी राजनीतिक विस्तार नहीं है, बल्कि इसने आत्मा के विकास पर जोर दिया है, और इसीलिए उन्होंने सूफियों ने आम लोगों को नैतिकता के उपदेश दिए। इतिहास से ये स्पष्ट है कि इस्लामी उपदेश राजनीतिक फतुहात विजय द्वारा नहीं फैले, बल्कि इन सूफियों द्वारा बाकी दुनिया में फैले। पृष्ठ 160। सूफी सम्राटों के खलीफाओं के संपर्क में नहीं रहे इनका अलग रहने का कारण खलीफाओं का गैर इस्लामी रवैया था, लेकिन जब भी अवसर पाते थे उन्होंने याद दिलाया कि वो खलीफा ही दुनिया में सिर्फ हाकिम नहीं है, बल्कि एक बड़ी जात है जो संसार के तमाम कारोबार पर अपनी हुकूमत रखती है, अर्थात ईश्वर है। द जालिम गवर्नरों, शासकों और सम्राटों के समक्ष निडर बात का साहस इस्लामी इतिहास की एक विशेषता रही है। इतिहास में बहुत सी मिसालें हैं जो इस चरित्र का जोरदार प्रमाण है। 11.7 दूसरी पीढ़ी नस्ल के सूफी। दूसरी प्रकार के सूफी खासतौर पर अब्बासी दौर से संबंधित थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि ये युग था जिसमें इस्लाम में परिवर्तन हुआ। पहले राजनीतिक राजधानी मदीना से कूफा बदल गई और वहां से फिर बगदाद खिलाफत का दृष्टिकोण राजशाही में बदल गया। विदेशियों से ये इस्लाम के संपर्क का युग ही नहीं, बल्कि विदेशियों की कल्चर, सभ्यता, विचारों और दर्शन से संपर्क भी था। जब मुसलमान मिस्र पहुंचे, जो फैलने वाले विचारों का केंद्र था, तो अफलातूनी नजरिए का तूफान इस्लाम में दाखिल हुआ। उमैयद के युग में मुसलमानों ने भौतिक ज्ञान और तिब का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि अब्बासियों के दौर में अफलातून के नजरिए पर बड़ा जोर दिया। हारून रशीद, जो अब्बासियों का एक खलीफा था, ने बेतुल हिकमत, समझ का घर स्थापित किया, जहां स्कॉलरों को दूसरी भाषाओं से अरबी में अनुवाद का कार्य सौंपा गया। मामून ने, जो उसका वारिस था, अफलातूनी नजरिए में दिलचस्पी ली। उसने अफलातूनी नजरिए पर प्राप्त पुस्तकों के भेजने के लिए रोम के केसर बादशाह को पुस्तकें बगदाद भेजने के लिए पत्र लिखा। केसर, रोम के सम्राट ने बड़ी तलाशी के बाद पुस्तकों का बड़ा संग्रह किया और उसे पुस्तकें बगदाद भेजने में हिचकिचाहट हुई। तब उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उन्होंने मशवरा दिया कि इसमें कोई हानि नहीं, अगर दर्शन फलसफा मुसलमानों में फैले, वो अपनी धार्मिक कट्टरता से नरमी बरतेंगे। तब केसर ने किताबें 5 ऊंटों पर लदवाकर बगदाद भेजी। याकूब बिन कुंदी को मामून द्वारा अनुवाद का कार्य करने पर नियुक्त किया गया। बेतुल हिकमत के अधिकारी दूसरे विभिन्न देशों, रोम, आर्मीनिया, मिश्र और सीरिया इत्यादि वे दर्शन की किताबों को एकत्रित करने और अध्ययन करने पर भेजे गए। मामून हर जुमेरात की शाम जो वार्तालाप रखता था, वो वह स्वयं बैठता था और विभिन्न विद्वानों को ध्यान से सुनता था। कुरान का मामला ये रचना तरबलिका है, उस समय का बड़ा बात था। इन तमाम बातों ने मुसलमानों को तर्क की और आकर्षित किया कि वो तर्क को काम में लाएं, और इसीलिए बुद्धि और तर्क उनके सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बन गया। हादिस और पैगम्बर की सुन्नत, जिनको काम में लाने का मुसलमानों को हुक्म था, उसकी जगह वो तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। इसने इस्लाम की बुनियाद ईमान को नुकसान पहुंचाया। यहाँ ये वर्णन करने योग्य है कि इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम तर्क या बुद्धि के इस्तेमाल के विरुद्ध है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि इस्लाम ने धर्म की संस्था के अंतर्गत तर्क के विकास को बढ़ावा दिया। तर्क जो धार्मिक संस्था में विकसित नहीं होता, वो मानव जाति के लिए जहर है। जब कभी ईमान यकीन में शंका हो, तो वो कौमों की एकता को हानि पहुंचाता है, और ये उस जमाने में हुआ। ये तर्क नहीं था जो बगैर तर्क दिए हुए इस्लाम में प्रवेश कर गया, बल्कि उससे बनावट आई। धर्म की हैसियत से इस्लाम जो दिलों को छूता था, वो तर्क की तरफ रुझान को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुआ। अब इस्लाम के उपदेश की पालना के बजाय तर्क बहस ने जगह ले ली। पृष्ठ 161। इस्लाम की सादगी साधारण और नेचुरल धर्म को इस्लाम में गैर जरूरी बनावट से धक्का लगा। इससे कई समस्याओं ने जन्म लिया, जैसे कुरान एक रचना है और जन्नत और दोजख, करामात और मेराज पर एक प्रश्नवाचक लगा।
अब हर विचार को बुद्धि और तर्क की कसौटी पर जांचा गया। अब यूनानी फलसफे की रोशनी में कुरान की व्याख्या हुई। ये स्पष्ट है कि ये इस्लाम धर्म के अध्ययन के ये सारे तरीके गैर इस्लामी थे। कुछ बड़ी शख्सियतों ने व्यक्तियों के इस रुझान को गंभीरता को महसूस किया और जो इन वाकयात से घुटन महसूस करते थे वे हजरत बयाजिद बिस्तामी, हजरत जुनूनन मिश्र, बगदाद के हजरत जुनैद और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। यकीन की दुनिया में तर्क का उन्होंने विरोध किया और स्नेह प्रेम की थ्योरी रखी। तर्क और बुद्धि के विरुद्ध मोहब्बत की हथियार ने बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव कार्य किया। वो इस राय के थे कि मोहब्बत एक मार्ग है जिसके जरिए व्यक्ति पवित्रता पा सकता है। मुख्य विशेषता जो इस दूसरी सूफियों की थी वे निम्न थी। एक, सूफियों की पहली पीढ़ी ने उमैयद दौर में मुस्लिम समाज में सम्राटों के असर को नकारा और ईश्वर से डरने पर जोर दिया। इस तरह इस प्रकार के सूफियों ने तर्क को इस्लाम की बुनियाद नहीं तस्लीम किया बल्कि तर्क की जगह प्रेम को बतलाया। भजन हम्द जो हजरत ख्वाजा फरीउद्दीन अत्तार ने सुझाए वो उस समय की आश्चर्यजनक आवाज थी जब हम उनका अध्ययन तर्क के उस समय के वातावरण में करते हैं। दूसरी इन सूफियों की विशेषता थी, उन्होंने अक्ल की बजाय दिल की अहमियत की हिमायत की। उन्होंने सफलतापूर्वक जोर दिया कि दिल मानव के अमल का केंद्र है और वो दिमाग से उठने वाले भ्रम शंकाओं का नियंत्रण और समाधान करता है। दो, हजरत मारूफ खरकी ने ध्यान पर जोर दिया। हजरत श्री सख्ती ने वहदत एक ईश्वरवाद पर जोर दिया जो बाद में वहदत उल वजूद या एक ईश्वरवाद में परिवर्तित हो गया। 11.8 तीसरी प्रकार के सूफी। तीसरी प्रकार के सूफी 10वीं शताब्दी से संबंधित हैं। इस प्रकार के या श्रेणी के विचारों आइडियोलॉजीज को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इस्लामी विधि पर एक नजर डालें। जब इस्लाम दुनिया के विभिन्न देशों में फैला तो ये जरूरी महसूस किया गया कि विस्तृत रूप में इस्लाम को दार्शनिक वातावरण में जीवित रहने के लिए उनकी समस्याओं की व्याख्या हो। ये आवश्यकता ही इस्लाम के ज्यूरिसप्रूडेंस कानून के नए अध्ययन की जिम्मेदारी है। इस तरह इमाम अबू हनीफा 81 से 150 हिजरी और 757 ईडी, इमाम मालिक 96 से 97 हिजरा और 780 एंड 785 ईडी, इमाम ए शाफई 150 से 204 हिजरा और 726 से 820 ईडी तक और इमाम अहमद बिन हम्बल 164 से 241 हिजरा 780 से 855 ईडी ने अपनी योग्यता का प्रयोग किया और इज्तिहाद के अलहदा चार स्कूल ऑफ थॉट की इस्लाम में बुनियाद रखी। उन्होंने इस्लामी समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। इन फाजिल विद्वानों ने नहीं सोचा था कि बाद में वे इस्लाम में इस्लामी विचारधारा स्कूल्स ऑफ थॉट पर विशेषज्ञ समझे जाएंगे, लेकिन ये मजाक है कि चारों स्कूलों की स्थापना की एक सदी के अंदर इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो गए और इस्लामी उसूल स्थापित हो गए। इस श्रेणी के मुख्य सूफी निम्न थे। एक, शेख अबू सईद इब्न अरेबी, मृत्यु 341 हिजरा यानी 952 ईडी। दो, शेख अबू मोहम्मद, मृत्यु 347 हिजरा या 957 ईस्वी। तीन, शेख अबू अल नसर सिराज, मृत्यु 387 हिजरा या 988 ईडी। चार, शेख अबू तालिब मक्की, मृत्यु 386 हिजरा या 966 ईडी। पांच, शेख अबू बकर, मृत्यु 390 हिजरा और 1000 ईडी। छह, शेख अबू अब्दुल रहमान अल सलमान, मृत्यु 421 हिजरा और 1071 ईडी। पृष्ठ 162। इन समस्त सूफियों ने हृदय की पवित्रता में सुधार किया और अंदरूनी तब्दीली धर्म की सही राह कायम की। इस युग के सूफियों ने अमल पर जोर दिया। इस प्रकार के सूफियों की विशेषता निम्न थी। एक, उसके अमली पहलू को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने किताबों, उनके पूर्वजों की आत्मकथा या तबकात पहले सूफियों की शिक्षा को फैलाने के लिए लिखी। शेख अबू सईद इब्ने अरावी, शेख अबू मोहम्मद, शेख अबू अब्दुल रहमान उस समय के लिखने वालों में थे। शेख अबू सईद इब्ने अरावी बड़े मुहद्दिस और कानून के विशेषज्ञ थे जिसने तबाकात लिखी जो सूफी मत की महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक कृति है। हालांकि आज ये उपलब्ध नहीं है लेकिन विभिन्न पुस्तकों में बिखरे हवालों से जाहिर है कि वो एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दूसरी रचनाएं जो उस समय प्रस्तुत हुई तबा उस साफिन थी जो अबू अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई, जो आयदा पीढ़ी के लिए लिखी गई अनेक पुस्तकों का जरिया स्रोत है।
दो एक दूसरी विशेषता जिसने उन दिनों गहरा प्रभाव डाला वो इन विद्वानों की लिखी गई तर्कित की किताब थी। शरीयत जो शेख के द्वारा बताए गए नियमों पर आधारित थी। ये कुरान की तालीमात और स्कूपियों की रहस्यवाद की रियाजत में तालमेल पैदा करने की कोशिश थी। इसीलिए कुब्बतुल कुतुब शेख अबू तालिब मक्की द्वारा लिखी गई थी से स्पष्ट था कि उसने कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर सूफी मत पर जोर दिया था और उसने इबादतों और रियाजतों को खास जगह दी जो फिक्के के अनुसार थी, लेकिन उनमें नमाज के अंदरूनी पहलू पर जोर था जो अल्लाह के सामने समर्पित होने थी। शेख अकूबकर ने अपनी पुस्तक अल तजफ्फुफ ली मजाहिब अहले तजफ्फुफ में सूफी मत के बुनियादी उसूलों से बहस की और साबित किया कि सूफी मत का आधार कुरान की तालीमात है। तीन उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उस वक्त सूफीवाद की अवधारणा थी। अवधारणा को व्यक्त करने की कई परिभाषिक शब्दावलियां प्रचलित थीं। ये तर्क अध्ययन और अनेक दर्शनों का प्रभाव था जो उस वक्त का फैशन था। चार उस समय की दूसरी महत्वपूर्ण किताबों में मोतबर और मशहूर रचना शेख अबू नसर सिराज द्वारा लिखी गई किताब किताबुल लुगवा थी। इस किताब में लेखक ने सूफी मत के विभिन्न नजरियात पर बहस की और रोजाना रियाजत के उसूल की बुनियाद डाली। लेखक ने पवित्रता और सुधार पर जोर दिया। शेख अबू नसर सिराज ने एक अलग अध्याय सबर भरोसा और ईश्वर का भय एवं प्रेम पर लिखे। पृष्ठ 163। पांच दूसरी विशेषता उस समय की थी। उस जमाने में सूफी मत बहुत से तबकों में बटा था। शेख अली हजवेरी ने अपनी किताब कशफुल महजूब में कम से कम 12 समूहों के बारे में विस्तार से लिखा है। एक हलूली या हलाजी, ये तबका मंसूर हलाज और उसके साथियों ने पारित किया। वे अवतारवादी सिद्धांत में विश्वास करते थे। दो तैफूरिया, ये तबका वर्ग हजरत बेयाजीद तैफूर बिस्तामी द्वारा कायम हुआ। ये मनोवेग और मस्ती पर जोर देता था। तीन कासरिया, ये वर्ग शेख मखदूम कसार द्वारा स्थापित हुआ। ये तबका बाद में निंदनीय में बदल गया। चार नूरिया, इस तबके को शेख अब्दुल हसन नूरी ने प्रचलित किया। वो फकीरी में रहते थे। उन्होंने लोगों की सोहबत में रखने के बजाय तन्हाई अलग में रहने को अच्छा समझा। पांच महासिबिया, इसकी बुनियाद शेख अब्दुल्ला हारिस बिन असद महासिबी ने रखी। वो इस राय के थे कि ईश्वर की खुशनदी स्थायी नहीं अस्थायी है। छह तस्तारिया, इस ग्रुप का नेता शेख सहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी था। उन्होंने अपने आप की पवित्रता के उसूद की बुनियाद रखी। वो इस यकीन के थे कि ईश्वर के आशीर्वाद पाने से कष्ट पाना बेहतर है। सात हाकिमिया, इसकी बुनियाद हजरत अली अब्दुल्ला बिन अली अल हाकिम अल तिरमिजी ने रखी। दरवेशी का नजरिया इस वर्ग द्वारा निकला गया। आठ खराजिया, ये शेख अबू सईद खराजी द्वारा कायम हुआ। फनहा के नजरिए की बुनियाद इस वर्ग ने रखी। नौ खाफिया, इस वर्ग के संस्थापक हजरत अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ थे। वर्ग ने मौजूद और गैर मौजूद के विचार पर जोर दिया। दस सियारिया, इसके स्थापित कर्ता शेख अब्दुल अब्बास सियारी थे। जमा और तफरीक का नजरिया इनसे निकला। 11.9 सूफी मत दसवीं शताब्दी में। सूफी मत दसवीं शती तक पहुंचते ही एक तहरीक बन गया। इस पर कई पुस्तकें उपलब्ध थीं, बहुत सी शब्दकोश प्राप्त थे, बहुत से संप्रदाय थे। इसके बावजूद तजफ्फुफ की मुकम्मल शक्ल नहीं थी, लेकिन अर्थ साफ नहीं था। समूह बहुत थे, लेकिन समूह के शब्दार्थ साफ नहीं थे। तबकों में विभाजन नहीं पाया गया जो समूहवाद का सार बनता। इसीलिए सूफी मत के इतिहास के अध्ययन के लिए 300 साल के सूफी मत के विकास संबंधी अध्ययन की जरूरत थी। पृष्ठ 164। 11.10 ग्यारहवीं शताब्दी में सूफी मत के मुख्य सूफी संत निम्न थे। एक शेख अबू नईम अशाहानी, मृत्यु 430 हिजरी या 1038 एडी। दो शेख अबुल कासिम, मृत्यु 465 हिजरा और 1072 एडी। तीन शेख अली हजवेरी, मृत्यु 405 से 412 हिजरी तक मानी जाती है। चार शेख अब्दुल्ला अंसारी, मृत्यु 487 हिजरी से 1088 एडी। पांच शेख अबू सईद अब्दुल खेर, मृत्यु 440 हिजरा से 1049 एडी। छह शेख अबू नईम शाफई स्कूल के स्कॉलर थे। वो इल्म ए हदीस के सर्वोच्च ज्ञाता थे। उनकी आला रचना हिदायत उल अलेमा थी, जो आज भी अहम किताब मानी जाती है, जिसमें पूर्व के सूफियों के आत्मकथा के हवाले मिलते हैं। शेख अब्दुल कासिम भी उस जमाने की महत्वपूर्ण शख्सियत थे, जो रिसाला ए तजब्बुफ के लेखक थे, जो उस जमाने में बड़ा लोकप्रिय था।
शेख काजिम ने अपने रिसाले में रहस्यवाद मिस्टिसिज्म की अवधारणा को निम्न तरीके से समझाया है। समय, मकान, अज्ञित तत्व, संग्रहण, हाजिर, गैर हाजिर, रहस्यवादी संस्थाएं, नय हिरता इत्यादि हैं। अपने रिसाले में सूफी मत के विरोधियों द्वारा उठाए हुए प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न किया और सफलतापूर्वक उनकी कार्यवाही को शांत किया। शेख अली हजवेरी इस समय के दूसरे सूफी थे जो मजहबी इल्म के बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने दूरदराज का सफर किया। वो बहुत से सूफियों से मिले। प्रारंभिक जिंदगी में सफर करने के शौकीन थे और इसीलिए उन्होंने सीरिया से तुर्की और सिंध नदी से कैस्पियन समुद्र तक सफर किया और अंत में लाहौर पहुंचे और आखिर में वहीं बस गए। हालांकि वो बहुत सी किताबों के लेखक थे, लेकिन केवल एक किताब ही बाकी रही जो आज भी उपलब्ध है, जो कशफूल महजूब है, जो 11वीं शताब्दी के सूफी मत की महत्वपूर्ण किताब है। इमाम कुशैरी की तरह शेख अली हजवेरी ने विरोधियों की शंकाओं का समाधान किया और इस्लामी शरीयत के उन्हें करीब लाए। ये पहली किताब है जो अरबी के अलावा फारसी में लिखी गई, जिसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ समझने में पैदा किया। इस युग का सूफी मत की विशेषताएं निम्न हैं। एक, इस समय सूफी मत आवाम में बढ़ रहा था। दो, उस समय तजफ्फुफ को कुरान के नजदीक लाने की कोशिश थी और सूफी मत को कुरानी शरीयत के अंतर्गत सफलतापूर्वक लाए। इसका परिणाम यह हुआ कि उलेमा भी सूफी मत में शामिल हो गए। 11.11 12वीं शताब्दी में सूफी मत। सूफी मत के विकास के इतिहास में शायद ये महत्वपूर्ण युग है और इसने बहुत से रहस्यवाद के सिलसिलों की बुनियाद रखी, जिससे सूफी मत 13वीं शताब्दी में फूला फला। 12वीं शताब्दी के सूफी मत के समझने के लिए उस शताब्दी की कुल शख्सियतों का अध्ययन जरूरी है। 2.11.1 हजरत इमाम गजाली, मृत्यु 500 हिजरी से या 1111 एडी। सूफी मत की बुनियाद में इमाम गजाली एक हरदिल अजीज व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी शोहरत दूसरे विषयों में प्राप्त की। अहया उल उलूम इमाम गजाली द्वारा लिखी गई मशहूर किताब थी। मुस्लिम धर्मशास्त्र की आज भी बुनियाद समझी जाती है। गजाली को प्रारंभिक जीवन में काबिल स्कॉलर ने पढ़ाया कि कुछ ही समय में वो बहुत लोकप्रिय हो गए। उनकी सभाओं में विभिन्न क्षेत्रों के 300 से ज्यादा स्कॉलर और सैकड़ों अमीर लोग और दूसरे स्कॉलर उपस्थित रहते थे। एक मर्तबा लेक्चर देते समय उनका छोटा जवान भाई अहमद गजाली, जो दिल से सूफी था, उनके पास आया और कुरान की आयतें सुनाई, जिनका अर्थ था, तुम दूसरों को राह बतलाते हो, खुदा दिशा नहीं लेते। तुम दूसरों को पढ़ाते हैं लेकिन खुद नहीं सीखते। ओह संग दिल आदमी, तुम तब तक लोहे की भांति रगड़ते रहोगे और खुद नहीं कुचले जाओगे। गजाली इससे बहुत प्रभावित हुए और सूफी मत की ओर झुक गए। तब दूर दूर तक उन्होंने बहुत से जंगलों में कई साल तक सफर किया। तब वो हजरत इब्राहिम पैगंबर के मकबरे पर आए और उन्होंने कसम खाई, एक, कभी किसी बादशाह के दरबार में नहीं जाएंगे। दो, किसी बादशाह से तोहफे कभी नहीं लेंगे। तीन, कभी किसी से तर्क और बहस ना करेंगे। पृष्ठ 165। तब गजाली ने नैतिकता का उपदेश देना आरंभ किया। उनकी शिक्षाएं सूफी मत का आधार है और इस लक्ष्य के लिए गजाली ने आम लोगों की बेहतरी के लिए लगा दिया। इसमें गजाली ने निम्नलिखित सेवा करने की सिफारिश की, एक, गजाली ने सूफी मत को एक तरीके से पेश किया और जो कुछ उनसे पहले लिखा गया उसका उन्होंने गहरा अध्ययन किया और उसके सकारात्मक परिणाम निकले। दो, गजाली स्वयं भी फिलोसोफर दार्शनिक थे और उन्होंने अक्ल की सीमित सीमा का तजुर्बा था, इसीलिए उनकी पुस्तक अल मंकाज मिनाल जलाल में उन्होंने अपने तजुर्बे लिखे और दिमाग और तर्क की सीमाओं की विस्तार से व्याख्या की। तीन, हालांकि गजाली ने पुस्तक लिखते समय अकल के तरीके और तर्क को अपनाया, लेकिन उनका लिखने का तरीका नया था और इससे धर्म को विचार का आधार बनाया। उनके नैतिक उपदेशों ने एक धर्म पद्धति इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया। उनकी तालीम के बुनियादी क्षेत्र थे, एक, धर्म का आत्मज्ञान, दो, अकल, तीन, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, चार, उनकी किताबें उनकी शिक्षाओं का कार्यशैली का उत्तम उदाहरण है, पांच, उसने हर भाव को अर्थ दिया, उसने जमान की शब्दकोश में विस्तार किया जिनको अल्लामा कुशैशी के द्वारा तरतीब दिया। कुछ शब्द इमाम गजाली ने अल्लामा कुशैरी के द्वारा बनाई गई है, कुछ शब्दकोश गजाली द्वारा बनाई गई थी, सफर, दौड़ने वाला, वजदान, रक्षत, यौनियन, इरादा, कारज, कदा व कदर, इल्हाम, कामिनी, हरकत इत्यादि शब्द इमाम गजाली द्वारा परिभाषित किए गए। पृष्ठ 166।
इमाम गजाली के परवर्ती सूफियों ने कुछ परंपराएं चलाईं, लेकिन परंपराओं के पीछे क्या कारण थे वे स्पष्ट नहीं कर पाए, परंतु गजाली ने इसको स्पष्ट किया। उदाहरणार्थ कई सूफी शासक के साथ न रहकर एकांत में रहने लगे। उन्होंने एकांत में रहने के कई कारण बतलाए। उन्होंने अपनी पुस्तक इहा उल उलूम में लिखा कि एक व्यक्ति शासक के दरबार में उपस्थित होने पर कई नाजायज बातें करता है। प्रथमतः शासक का निवास ईश्वर की अप्रसन्नता का केंद्र है, ऐसे जगह पर पांव रखना रहना पाप है। दूसरे राजा के सामने झुकना और उसके हाथों को चूमना भी एक पाप पूर्ण कार्य है। और महल के रेशमी पर्दे, सोने के बर्तन, अन्य सजावट के सामान देखना भी नाजायज है। आखिर में राजा के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना और ईश्वर से सहायता मांगना गुनाह है। इस प्रकार उनके परवर्ती सूफी संतों की परंपराओं की व्याख्या भी है। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी, मृत्यु 561 हिजरी से 1166 एडी। 12वीं शताब्दी के माने हुए सूफी हजरत अब्दुल कादर जिलानी थे। अगर गजाली ने सूफी मत को उस पर किताबें लिखकर पूर्ण बनाया तो ये अब्दुल कादर जिलानी थे, जिन्होंने अपनी रियाजत की कोशिशों से सूफी मत को विस्तार से फैलाने में योगदान किया। उन्होंने अपने विचारों और भाषणों से एक क्रांति पैदा कर दी। जो योगदान उन्होंने सूफी मत के विकास में दिया वो एक मिसाल है। उन्होंने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों को करीब करीब प्रभावित किया। उनकी सभा जलसे में तादाद कई बार 70,000 तक होती थी। उनके उपदेशों को एक भीड़ की अत्यधिक संख्या सुनती थी। उन्होंने सूफी मत पर अनेक किताबें लिखी, लेकिन उनमें से चार बहुत आम हैं। एक फुतुहु उल गैब, ये 87 उपदेशों वाजों का संग्रह है जो विभिन्न मौकों पर शेख ने दिए। दो फुतुहु ए रब्बानी, ये शेख के 62 भाषणों का संग्रह है। तीन गुनियात ए तालिबीन, इस किताब में शेख ने विस्तार से मुस्लिम समाज के 73 फिरकों के हालात दिए हैं। चार अल फुयुजात उल रब्बानी, शेख अब्दुल कादर जितानी ने अपने समकालीन पीढ़ी को अपनी नैतिकता से प्रभावित किया और वो हर एक को आदर देते थे। 11.11.3 शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, मृत्यु 560 से 638 हिजरी यानी 1165 से 1240 एडी। सूफी मत के संसार की 12वीं शताब्दी की एक खास शख्सियत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी थे। वे स्पेन में मारिया कस्बे में 560 हिजरा में पैदा हुए, फिर वो आश्विलिया चले गए और उन्होंने वहां पर प्राथमिक स्तर पर अध्ययन किया। नामुनासिब हालात ने उनको उस जगह को छोड़ने पर मजबूर किया, तब उसने सफर करना आरम्भ किया। स्पेन की दूरदराज की जगह वो गए। 1201 एडी में वो पश्चिम की ओर चले गए और पूर्व के देशों की ओर भी फिरे और मिश्र, सऊदी अरबिया, बगदाद, सेंट्रल एशिया के मुल्कों में गए। वो उसूल के सख्त थे और इसीलिए अवाम में प्रिय नहीं हुए और एक स्थान पर ज्यादा नहीं रुके। अंत में वो दमिश्क पहुंचे और 1240 एडी में अपने प्राण छोड़े यानी मर गए। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। मौलाना जामी के अनुसार उन्होंने 500 पुस्तकें लिखी। बर्कले ने शेख की लिखी किताबों की फहरिस्त दी है जिसकी तादाद 150 के करीब थी। उनकी दो किताबें बहुत पसंद की गईं और अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो है एक फुसूसुल हुकम, दो फुतुआते मक्किया। शेख ने स्वयं इन किताबों के बारे में लिखा है कि उन्होंने इनमें ज्ञान के बारे में हर बात लिखी जो उसके हृदय में अमानत की तरह थी और जो काबा की तवाफ चारों ओर घूमना करते समय प्रकट की और ईश्वर ने मक्के में तवाफ के दौरान उन पर प्रकट किया। पृष्ठ 167। उनके दर्शन की मुख्य शिक्षा एक ईश्वरवाद थी या बहदूतल वजूद थी। उन्होंने एक सिद्धांत थ्योरी पेश किया जिसके अनुसार संसार में ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। हर चीज जिसे हम देखते या विचार करते हैं दुनिया में नहीं है, बल्कि वो गलत विचार है और सत्य की परछाई है। सत्य तो केवल ईश्वर है। इस एक ईश्वरवाद के दर्शन में आने वाली नस्लों को प्रभावित किया और जो सूफी मत का भविष्य से एक आधार बना। लेकिन उसी समय ये इतना नाजुक मसला था कि उन्होंने अपने मुरीदों को उन पर आजादी पूर्वक आलोचना करने से मना किया। फिर ये एक सत्य है कि जब कभी आजादी पूर्वक बहस इस मसले पर आम जनता में हुई, इस्लाम की तालीमात की खिलाफत करने लगे और वे चापलूस होकर काफिर हो गए। 11.11.4
हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, मृत्यु 539 से 632 हिजरी या 1145 से 1234 एडी। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी शेख इब्ने अरबी के समकालीन थे। अवारिफ उल आरिफ उनकी मशहूर पुस्तक थी। इस किताब की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक ओर ये सूफी मत के आधारभूत विश्वासों के बारे में जानकारी देती है और खानकाहों या सूफियों के घरों में सिलसिले के बारे में हर प्रकार की मालूमात देती है। इस किताब ने सूफियों के सभी सिलसिले में प्रसिद्धि पाई। विशेषकर सूफी सिलसिले में चिश्तियों ने अवारिफ उल मा आरिफ को काफी अहमियत दी। हजरत बाबा फरीद गंज ए शकर इस किताब से अपने मुरीदों को व्याख्यान देते थे। शेख सादी, जिन्होंने समस्त इस्लामी में दुनिया में मुनासिब रूहानी गुरु की तलाश में सफर किया लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने अचानक शेख सोहरावर्दी को देखा उनके मुरीद हो गए और शेख को अपना मुर्शीद मान लिया। 12वीं शताब्दी मुसलमानों की बेहतरी के लिए मुनासिब नहीं थी। ये मुसलमानों के हर मैदान में पतन का युग था। हर आतंकवादी ताकतें बगदाद पर आक्रमण करती थी। शासकों का नैतिक आचरण अपनी रियाया पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। इस शताब्दी के सूफी समाज की बुराइयों के विरुद्ध लड़ते हुए रहे और शासकों को मुस्लिम समाज में परेशान करने वाली हालतों से आगाह किया। 12वीं शताब्दी में सूफी मत का वर्णन पूरा नहीं होगा अगर उस वक्त के महत्वपूर्ण तीन कवियों का वर्णन नहीं होगा, जो निम्न थे: एक हकीम सनाई, दो निजाम गंजवी, तीन ख्वाजा फरीबुद्दीन अत्तार। हकीम सनाई ने कविता की कम से कम दो किताबें एंथोलॉजीज लिखी, एक हदीका, दो सियारुल इबाद। इन दो किताबों के अतिरिक्त 6 मसनविया हैं। पृष्ठ 168। 11.12 13वीं शताब्दी में सूफी मत। 13वीं शताब्दी में सूफी मत चरम सीमा पर पहुंच गया। ये एक अलग और स्वतंत्र ज्ञान की हैसियत से पहचान बनाए हुए थे। पिछली शताब्दी में सूफियों ने बड़ी तकलीफ उठाई और इस शताब्दी में रूहानी सिलसिले उत्पन्न हुए और सूफी मत के तरीकों में नई जिंदगी आई। इस मामले में 13वीं शताब्दी सूफी मत की पूर्णता का आखिरी चरण है। इस शताब्दी के बाद सूफी मत में कोई नया दर्शन नहीं आया और न ही रहस्यवाद में नया सिलसिला का बदलाव आया। गिजाली और इब्ने अरबी हर युग में छाए रहे। बगदाद की राजनीतिक हालात खराब थी। शासक अपनी रियाया पर अपने आदेश या हुक्म चलाने के योग्य नहीं थे। मुसलमान नाजुक दौर से गुजर रहे थे। तमाम जिंदगी के मैदान में, चाहे वो कला, ज्ञान, व्यापार या तिजारत हो, में पीछे थे। बगदाद, जो कभी वाणिज्य और व्यापार का केंद्र था, वो अब कबूतरबाजी और पतंगबाजी का केंद्र बन गया। वास्तविकता यह है कि पहले मुसलमानों का नैतिक पतन हुआ और फिर बगदाद में राजनीतिक पतन हुआ और इस पर मंगोलों का तूफान मुस्लिम समाज की बर्बादी साबित हुआ। मंगोल के आक्रमण का कारण मुस्लिम हुक्मरानों का पतन था। मंगोलों के आक्रमण ही केवल मुस्लिम पतन का कारण नहीं थी, बल्कि यह आक्रमण मुस्लिम समाज की कमजोरी थी। मंगोलों ने बगदाद के बाग की सुंदरता और महलों को तबाह कर दिया। बगदाद की तबाही की कहानियां इस्लामी इतिहास के अंग हैं। ये सिर्फ बगदाद की तबाही ही नहीं थी बल्कि मुस्लिम युग का अंत था। ये इतिहास का हिस्सा था। जबकि एक कौम की जिंदगी के हर मैदान में पतन होता है, उसके बाद कौम फिर उठती है और शान तक पहुंचती है। यही मामला इस्लामी इतिहास में हुआ। मंगोलों ने तमाम बगदाद को एक तरफ तबाह कर दिया, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसमें परिवर्तन हो गए तो वो इस्लाम की तरक्की के संघर्ष का अंग बन गए। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार एक मुगल द्वारा मारे गए और ये बयान करना आश्चर्यजनक बात है कि वो ही आदमी ख्वाजा अत्तार के मकबरे का मुहाफिज हुआ। हलाकू खान ने बगदाद के जामे अल कसार को नष्ट करने का हुक्म दिया और वो ही हलाकू खान था जिसने उसे बनाने का आदेश दिया था। इस हालत में सूफी अपने कार्य में सूफी मत की रूह पैदा करने में व्यस्त थे। ये शताब्दी थी जिसमें सूफी शेख नजमुद्दीन कुबरा और ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने इस्लाम की इस भावना के लिए अपना खून दिया और जिसके नतीजे में सूफी मत मुकम्मल जिंदगी का मार्ग हो गया। लोगों के लिए रहस्यवाद के सिलसिले अध्ययन का विषय बन गए। सूफी मत की 13वीं शताब्दी का वर्णन पूरा नहीं होगा जब तक हम 4 सूफी मत कवियों का वर्णन नहीं करेंगे। वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शेख सादी और इराकी, इस जमाने का महत्वपूर्ण सूफी शेख मोहिउद्दीन अबी जकारिया, याहिया बिन शर्फ अल लनुदई अल नुदवी, मृत्यु 676 हिजरी और या 1278 एडी,
थे रियाजुल सालेहिन और बुस्ताने आरिफिन, उनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसमें उन्होंने सूफी मत की नैतिकता को प्रकाश में लाया गया। 13वीं शताब्दी के दूसरे सूफी थे शेख हिजाजुद्दीन अबू मोहम्मद और दूसरा अब्दुल अजीज अलू डुमेरी अल दाहिरी, मृत्यु 690 हिजरी या 1291 एडी। उन्होंने महत्वपूर्ण किताबें लिखी जिनके नाम थे तहतूल उल खुलू वल खुजू ली इल्मूल खयूर, जिसमें दल की पाकीजगी और इरादे पर जोर दिया गया है। इस शताब्दी की विशेषता है कि सूफियों ने अपनी विचारधाराओं आइडियोलॉजीज को कविता के माध्यम से जाहिर किया और मंगोलों द्वारा बगदाद की तबाही पर सूफियों ने रूहानी सिलसिले की बुनियाद रखी। पृष्ठ 169। 11.13 निष्कर्ष। इस इकाई में हमने सूफी मत का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया और उसकी उत्पत्ति और विभिन्न स्तर पर उन्नति को बतलाया है। हमने आलोचनात्मक तौर पर जांचा और सूफियों की शिक्षाओं का पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी का अध्ययन किया है। हमने 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के खास सूफियों पर बहस की है और उनकी विशेषता और मुख्य अंगों का विश्लेषण किया है।